बैंक वाले आ गए क्या तुमको दयालु हो, वो बटवा या फर्जी प्रमाण पत्र पैसा दिए नहीं, बैंक बर्बाद हो जाएंगे, मामा हमारे खाते में पैसा डाल दो, तो वो पैसा भी बैंक के खाते में डाला। और आज सुन रहे हैं अध्यक्ष जी ने बताया है 18 तारीख को राहत की राशि जो कमलनाथ खा गए थे, पर किसान दीदी का कमलनाथ ने राहत की राशि बताओ ईमानदारी से, अरे जोर से बताओ दीदी जो 18 तारीख को 1600 करोड़ रुपया फिर मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डाला जाएगा जिनकी फसल खराब हुई है, और 1600 के बाद फिर 1600 की किस्त और डालूंगा, अरे एक एक महीने में दोनों बार डालूंगा, चिंता मत करो। अब अपन फिर आ गए, वो तो समाधान का वनवास था, वनवास खत्म, काम फिर चालू, यह अगत्य कर दूंगा, चिंता मत करना। अब ये कहां ले जाते थे पैसा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान भाइयों। और आज जब मैं आ रहा था तो ये सोच के आ रहा था, वो स्मार्ट सिटी में महाकाल मंदिर का परिसर, अब ये स्मार्ट सिटी नहीं बनाएगी, उज्जैन के मालवा के नागरिक मिलकर बनाएंगे, मैं क्या काम रोको, महाकाल महाराज के परिसर को हम खुद आके देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे क्या होगा। लेकिन आज वो सब लोग जो किसान विरोधी है, कांग्रेस वामपंथी पता नहीं कहां कहां के संगठन आ गए, और मध्य प्रदेश में भी जिनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, वो विरोध कर रहे। तीन किसानों के कानून क्या क्या मोदी जी ने कोई बताए। मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, भगवान का वरदान। मोदी जी की एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर रहे, एक नहीं कहीं फैसले किए, एक नहीं कहीं फैसले किए किसानों के लिए। मैं समय के अभाव में उनके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन ये तीन किसान कानून क्या है जिनके विरोध में घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे, और ये वो बार बाहर है जो मैदान में मोदी का मुकाबला ही नहीं कर सकते। मोदी जी का नाम सुनकर पसीना आ जाता है, एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे, और कुछ नहीं मिला तो किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाओ, किसान विरोधी कांग्रेस क्या किसान विरोध है, और वो कर रहे हैं विरोध राहुल गांधी, जिनको यही पता नहीं कि आज जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर होता है। अच्छा राहुल गांधी बताते कि भिंडी ऐसी लगती कि ऐसी लगती, बताए कि क्या होती, फिर गांव देखे नहीं, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत और पटड़ियां नहीं देखी, चौकीदार चोर है जनता ने ऐसा पटका। अब वो किसान कानून की बात कर रहे हैं, बताइए। अरे मोदी जी ने क्या किया, कानून नंबर एक, आप भी ध्यान से सुनना और गांव के चौपाल में बताना, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसान की मर्जी अपनी फसल कहीं बेचे, वो मंडी के अंदर बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो अपने खेत में बेचे चाहे वो घर पर बेचे। पहले कानून यह था कि मंडी के बाहर किसान फसल नहीं बेच सकता था, और अगर कोई खरीद ले व्यापारी तो पकड़ लिया जाता था, ट्रक मंडी टैक्स की चोरी, मंडी के बाहर कैसे बेचा। मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी ने यह स्वतंत्रता दी है कि किसान की मर्जी, तुम कौन हो तो भाई तय करने वाले कि हम घर में बेचेंगे बाहर बेचे। आप बताओ कोई व्यापारी अगर मेरे घर आ गया और मुझसे कहा कि मैं 3000 रुपया कुंटल तुम्हारी धान लूंगा, 4000 रुपया कुंटल तुम्हारा सोयाबीन लूंगा, और मुझे 4000 रुपया कुंटल में सोयाबीन पूर रहा है, तो बताओ मुझे सोयाबीन घर पर बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं। अरे जोर से बताओ रे, पीछे तक होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। अगर कोई खेत में मेरी प्याज लेने आ गया भैया, कोई खेत में लहसुन लेने आ गया और रेट अच्छा दे रहा है, तो बताओ खेत में बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं। अगर कोई व्यापारी प्राइवेट मंडी खोल के बैठ गया कि मैं बेयर हाउस में खरीद रहा हूं बजाओ, और मुझे मंडी से अच्छा रेट मिलता, तो बताओ मुझे बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं।
अगर कोई एक्सपोर्टर आया और कहा कि तुम्हारा मैं सीधे ले रहा हूं, तो बताओ बिचौलिया बीज को होना चाहिए क्या? ये दाल भात में मूसलचंद की जरूरत क्या है? अरे मेरी व्यापारी की पट गई, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे बेचू। और ये सुन लो मेरे बहन और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान कह रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर और देश में कहीं भी मंडी बंद नहीं होगी, मंडी चलती रहेगी और बढ़िया मंडी बनाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे। किसान की मर्जी, मंडी में बेचना तो मंडी में बेचे और मंडी के बाहर बेचना हो तो बाहर बेचे। कई बार मंडी में भी दिक्कत होती, भैया घाई लगा के खड़े 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दो दो दिन तो ले जा, ऐसे उठाया बताओ कितने में दे रहा नहीं दे रहा। अब लेके आ जा बेचारा अनाज या प्याज और मंडी में ठीक रेट नहीं मिले तो बताओ वापस ले जाता है? पौने पौने दाम पर बेचना पड़ता है, कई बार ये होता है। घर पर यह नहीं हो सकता, और ये अधिकार दिया है कि मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, घर पर बेचे चाहे खेत पर बेचे, किसान की मर्जी। मंडी अच्छा रेट देगी तो मंडी पर बेचेंगे और बाहर दे अच्छा रेट मिलेगा तो बाहर बेचेंगे। बोलो ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई बुराई है क्या? ये किसान विरोधी है? अरे भैया किसान विरोधी नहीं तो काहे को खून के आंसू बहा रहे हो? मोदी ने मार डाला, मोदी ने गलत कर दिया। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने अधिकार दिया है जहां अच्छा रेट मिले वहां पहल डालो, इन चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो आंसू बहा रहे हैं जो प्याज के दाम जरा बढ़ जाए तो कहते प्याज आंसू निकाल रही है। अरे थोड़े बहुत रेट किसान को मिल जाने दो रे, जरा प्याज के रेट बोलो तो आसमान सबको उठा लेते। वही वही आज तक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्याज के रेट बढ़ गए, टमाटर के बढ़ गए। अरे बढ़ गए अगर 20-25-40 रुपया किलो खरीदी तो 2 रुपया किलो भी तो खरीदते हो। टमाटर के बढ़ गए, टमाटर लाल हुआ 50 रुपया किलो। अरे ठंडी भी तो बेचते 50 रुपया किलो बेचते बोल लो रहे आज। और इसने किसान की मर्जी, अंदर बैठे चाहे बाहर बैठे, बोलो इस कानून के पक्ष में हो तो खड़े हो के कहो, मीडिया वाले मुझे मत दिखाओ, किसानों को दिखाओ, उधर घुमाओ जरा, बोलो सब पक्ष में हो। बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? कानून अच्छा है कि बुरा है? ये कानून नंबर एक। मीडिया के अंदर देख लो ना, 10-20 करोड़ में प्रदर्शन करते हो, खून दिखाते हो, दिखाओ नजारा किसानों को, उधर बोलो हाथ और ताली बजा के मोदी जी का स्वागत करो किसान कानूनों के समर्थन में। और सुन लो कानून नंबर दो, ध्यान से सुनना ताकि भाजी को समझा सको। कानून नंबर दो कहता है कि अगर किसान बोनी के समय किसान को रेट मिल जाए तो बोनी के समय अगर उसको मिलता है 4,000 रुपया मुंडल सोयाबीन को और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि पहले ही पता हो जाए कि किस रेट पे मिलेगा बोनी के समय, नहीं बोनी के समय बोया तो पता चला 6,000 और बेटा को पता चला 2,000 मर गए। अरे पहले ही पता चल जाए रेट तो अच्छा है कि नहीं है? अरे जो सबोर अच्छा है कि नहीं है? अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो व्यापारी को फसल आने पे खरीदना पड़ेगा और व्यापारी नहीं खरीदेगा तो कानूनन कार्रवाई होगी जैसे पपरिया में की है। बोलो कानून अच्छा है कि नहीं? अरे जो सबोर अच्छा है कि नहीं? और सुना कानून नंबर 3 अंतिम कानून, अभी तक इसका अग्रीमेंट थी व्यापारी पे, इससे ज्यादा प्याज नहीं खरीदेगा, चना नहीं खरीदेगा, गेहूं नहीं खरीदेगा। मोदी जी ने कहा इसका अग्रीमेंट के बाद जितना खरीदना हो खरीदे ताकि ज्यादा कीमत मिल सके। बोलो कानून अच्छा है कि नहीं? अरे अच्छा है कि नहीं? तीनों कानून अच्छे हैं कि नहीं? तो एक बार अपनी जगह खड़े हो जाओ सब मेरे साथ और मन भी खड़ा हो जाए। बोलो तीनों कानून अगर समर्थन करते हो
नागुण जारी रहना चाहिए कि नहीं, सीमा नागुण रहना चाहिए कि नहीं। मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा, तो मेरे साथ नारे लगाओ, मोदी जी आ गए बोलो, मोदी जी आ गए बोलो, मोदी जी कानून लागू करो, मोदी जी कानून जारी रखो, मोदी जी आ गए बोलो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तीनों कानून जिंदाबाद। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर कानूनों का स्वागत करो। और मीडिया वाले देखे, ये हजारों किसान कानून के समर्थन में है। बोलिए महाकाल महाराज की, महाकाल महाराज की, नर्मदा मैया की, क्षिप्रा मैया की, किसान भाइयों बहनों की, हर हर महादेव। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उज्जैन ग्रामीण के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री भारती सिंह जी बोर मुंडा को, वो आए और आज के किसान सम्मेलन का आभार माने। अभी हम सबको और पूरे संवाद से बधाए हुए सभी किसान बंधुओं को संबोधित किया, ऐसे हमारे यशस्वी लालडे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हम सबके यशस्वी लालडे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी, भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के सभी मंत्री महानुभाव, सभी सांसद महानुभाव,